हेलो गाइस गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप पर अगर आप किसी को भी वीडियोस एंड इमेज सेंड करते हैं तो उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड भी है और ट्रिक भी है। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बताऊँगा। क्योंकि हर लोग जानते हैं यहाँ पर कि आपको इमेज भेजते हैं तो थोड़ा सा ब्लर लगा हुआ आपको दिखता होगा या थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच आपको दिखती होगी, पेंसिल का निशान आपको दिखता होगा। तो ये आप व्हाट्सएप के अंदर से ही कर सकते हैं। 5-6 फीचर्स आपको व्हाट्सएप देता है इस चीज़ के कि आप इमेज को खुद ही एडिट करके उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक पर्टिकुलर इंसान को आपको उसको मैसेजेस करना होगा और यहाँ पर आपको अपनी इमेज लेनी होगी। गाइस, यहाँ पर इमेज के लिए आप यहाँ पर कैमरे का भी यूज़ कर सकते हैं, गैलरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गैलरी का यूज़ हम करेंगे, तो गैलरी में से एक इमेज ले लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर भी हो सकता है, मैं फ़िलहाल ब्लर करने की नहीं सोचूँगा, लेकिन पहले मैं यहाँ से इमेज उठा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इमेज ले ली है, ये इमेज इस तरीके की ले रही है। अब यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर पहले इसको इतना कट कर लेते हैं जिससे कि ऊपर का आपको साफ दिखे। यहाँ पर सबसे पहले होता है कट का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर कट वापसी दिखा दे इसने, उसके बाद इमोजिस होती हैं। यहाँ पर जैसे भी इमोजिस लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, यहाँ पर इसको इधर विधर भी कर सकते हैं। डन। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके की आपको मिल भी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बहुत बड़े साइज़ का रहता है यहाँ पर, बहुत बेटर भी है ये चीज़। मैंने शायद किसी उसमें नहीं देखी है, लेकिन काफ़ी अच्छा फीचर है ये वाला कि टेक्स्ट आपका बहुत ही अमेजिंग रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का टेक्स्ट आया, कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर आप ऊपर नीचे करके। आप देख सकते हैं कलर भी बदल रहे हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है आपका पेंसिल का निशान जो होता है। अब यहाँ पर आपको हर चीज़ को कैप्चर करना है, आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को इमेज में दिखाना चाहते हैं व्हाट्सएप के अंदर भेजने के बाद, तो यहाँ पर आप उसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर कलर चेंज होकर यहाँ पर ये भी नीचे वाला भी हो गया। अब जैसे कि आप यहाँ पर आग के सिंबल पर इसको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ढक सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। और सबसे नीचे यहाँ पर ऐड ए कैप्शन भी आपको लिख आता है। अब जैसे कि इमेज के नीचे आप कुछ लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे कि ये लिख दिया और इसको सेंड कर देना है बस। इसी तरीके का वीडियो का भी है, लेकिन वीडियो को मैं नहीं बताने वाला क्योंकि खास जो था वो इसी का ही था। तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर ही इमेज को। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है, इस तरीके से भी बेटर आप बना सकते हैं, मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है। यहाँ पर इस तरीके से आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा फीचर्स तो नहीं है जैसे कि आप फ़िल्टर वगैरह लगा देंगे, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ दे रखी है वो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाकी फ़िल्टर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप जो इस वीडियो के लास्ट में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर या हमारी कॉलिंग का नंबर आपको मिल सकता है, बेटर रहेगा कि आप कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।